जालौन में ग्राहक बनकर सराफा व्यापारी की दुकान पर जेवरात लेने आई दो महिलाओं ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर दुकान से 1 लाख से ज्यादा के आभूषण पार कर दिए, जिसके बाद बिना आभूषण खरीदे महिलाएं दुकान से ही चली गई। इस चोरी के बारे में तब जानकारी हुई जब दुकानदार को आभूषण कम मिले, जिसके बाद उसने सीसीटीवी जांचा तो चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद दुकानदार ने चोरी के बारे में पुलिस से शिकायत भी की थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी है। घटना कोंज कोतवाली के लवली चौराहे के पास स्थित तनिष्क ज्वेलर्स की है। यहाँ पर कोंच नगर के मोहल्ला प्रताप नगर के रहने वाले दिनेश उर्फ लल्लू सोना पुत्र सूरज सोनी की नगर के लवली चौराहे में मानिक चौक के बीच तनिष्क ज्वेलर्स के नाम से आभूषणों की दुकान खुली है। यहाँ मंगलवार की दोपहर उनका बेटा दुकान पर बैठा हुआ था, तभी दो महिलाएं दुकान पर ग्राहक बनकर आई और सोने चांदी के आभूषण दिखाने के लिए कहने लगी, जिस पर सर्राफा व्यापारी दिनेश का 16 वर्षीय पुत्र राजा सोनी ने दोनों महिलाओं को कान के लिए सोने के टॉप्स दिखाने के लिए 3 डिब्बे खोले, जिसके बाद उसने कान के टॉप्स दिखाने शुरू किए। इस दौरान दोनों महिलाएं लगातार सोने के टॉप्स देखती रही। इसी बीच महिलाओं ने टॉप्स के दाम पूछे, जिस पर दुकानदार को बातों में उलझाकर नजरें बचाकर उन महिलाओं ने 5 जोड़ी टॉप्स उड़ा दिए और बिना कोई खरीदारी किए वहां से चली गई। जब राजा सोनी ने टॉप्स को देखा तो कम मालूम हुए। उसने तत्काल इसके बारे में अपने पिता को अवगत कराया, जिसके बाद दुकान पर पहुंचते ही दिनेश ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो दुकान के दरवाजे पर सूट पहने हुए महिला ने बड़ी सफाई से रुमाल में उन टॉप्स को चुरा लिया। सराफा दुकानदार के मुताबिक उन 5 जोड़ी टॉप्स की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर की। फिलहाल दिनेश सोनी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, जिस पर कोंच कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है और दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर उन महिलाओं के बातों का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं इस मामले में कोंच कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया है कि पुलिस ने बाजार से लेकर चंदकुआ तक के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लिया है। उसमें कई जगह दोनों महिलाओं को देखा गया है। जल्द ही दोनों महिलाओं के बारे में जानकारी लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही चोरी की आभूषणों को भी बरामद कर लिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।